रूस यूक्रेन युद्ध में हमेशा से ही रूस जीत की प्रबल दावेदारी करता आया है। इस कड़ी में रूस ने लगातार अपने हमले जारी रखे और इसके साथ ही रूसी सेना यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रही है और 2 साल से जारी इस जंग में रूस अब तक यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा भी कर चुका है। इस युद्ध ने अपने दौर में यूक्रेन की मजबूत स्थिति भी देखी है, लेकिन यह अमेरिका और नाटो देशों की मदद के बगैर जेलेंस्की के लिए संभव नहीं हो पाता। इस जंग में एक बार फिर से अब अमेरिका और तमाम पश्चिमी खेमा एक बार फिर से खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। इसी कड़ी में वाशिंगटन में हो रहे नाटो के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को समर्थन प्रमुख मुद्दा रहा। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। इस शिखर सम्मेलन का मकसद रूस को बैकफुट पर ढकेलना और यूक्रेन की छवि को मजबूत करके दुनिया के सामने रखना था, और इसी कड़ी में जो बाइडेन ने इस शिखर सम्मेलन में बड़ी घोषणा की। Today, I'm announcing a historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, the Netherlands, Romania, and Italy will provide Ukraine with the equipment for 5 additional strategic air defense systems. And in the coming months, the United States and our partners intend to provide Ukraine with dozens of additional tactical air defense systems. The United States will make sure that when we export critical air defense interceptors, Ukraine goes to the front of the line. जो बाइडेन ने रूस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि किसी को इस तरह की सहायता मिलने से पहले यूक्रेन को मिल जाएगी। बाइडेन ने कहा कुल मिलाकर यूक्रेन को अगले साल तक सैकड़ों अतिरिक्त इंटरसेप्टर प्राप्त होंगे जो रूसी मिसाइलों के यूक्रेनी शहर से रक्षा करेंगे, साथ ही यूक्रेनी सैनिकों को अपने अग्रिम मोर्चे पर हवाई हमला का सामना करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही बाइडेन ने रूस यूक्रेन युद्ध के नतीजे के बारे में भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग में रूस इस युद्ध में हार रहा है। नेटो शिखर सम्मेलन में 75वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति बाइडेन ने बताया कि अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, रोमानिया और इटली यूक्रेन को 5 अतिरिक्त रणनीति वायु रक्षा प्रणालियों के लिए उपकरण प्रदान करेंगे। इस दौरान उन्होंने रूस पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि सबको लगता था कि नाटो टूट जाएगा, लेकिन आज नाटो सबसे मजबूत है, और इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब यूक्रेन एक मुक्त राष्ट्र था और वो आज भी एक मुक्त राष्ट्र ही है। Putin's war of aggression against Ukraine continues, and Putin wants nothing less than Ukraine's total subjugation. But make no mistake, Ukraine can and will stop Putin. Especially with our full collective support, and they have our full support. नेटो में हुए शिखर सम्मेलन और जो बाइडेन की मदद के ऐलान के बाद एक बार फिर ये साफ है कि इस जंग में अमेरिका और नेटो देश रूस को चौतरफा घेरने में लगे हैं, और उससे रूसी खेमे में टेंशन तो है। रूस भले ही इस बात को खुले तौर पर स्वीकार ना करे, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के बीते दिनों के दौरे और अमेरिका के दुश्मन देशों से अपनी नजदीकी बढ़ाने की प्लानिंग ने इस बात को साफ किया है कि पुतिन भी भविष्य में होने वाली जंग के लिए खुद को मजबूत करने के प्रयास में डटे हैं।